दोस्तों, बिहार के भागलपुर में मंगलवार की देर रात एक ट्रक में रखे कई सिलेंडर एक एक कर फटने लगे। घटना नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के सतीश नगर की है। आपको बता दें, घटनास्थल से थोड़ी ही दूर पर पेट्रोल पंप भी मौजूद है। गैस सिलेंडर में भीषण आग लगते ही धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। लोग वीडियो बनाने लगे। इलाके में भगदड़ का माहौल हो गया। दोस्तों, आग की तेज लपटें कुछ दूर से ही दिखाई दे रही थी। हादसे में ट्रक के चालक के चीथड़े उड़ गए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। घटना रात के करीब 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। दोस्तों, NH 31 पर हुए इस हादसे की घटना के बाद दोनों ओर गाड़ियों को रोक दिया गया। कहा जा रहा है कि 30 से 35 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। हालांकि जांच के बाद पता चलेगा कि ट्रक पर कितने सिलेंडर लोड थे। SDOP दिलीप कुमार ने बताया कि भागलपुर खगड़िया सीमा पर NH 31 पर यह हादसा हुआ। ट्रक में अचानक आग लग गई और उसके बाद एक एक कर सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। आसपास के रहने वाले किसान अपने मवेशियों को लेकर आनन फानन में किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे। कहा जा रहा है कि पहले तो उन्हें लगा कि वे कहीं बम का धमाका हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद पता चला कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की घटना के बाद बुधवार की सुबह सड़क पर कई सिलेंडर फटे हुए पड़े हैं। दोस्तों, रसोई गैस के लदे ट्रक को चलाने वाला चालक मुंगेर के सकरपुर गांव का रहने वाला मंटू यादव था। आग लगने के बाद जल गया। सूचना मिलने के बाद परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद आवागमन बहाल हो सका है।